इनसे, डीसी साहब से और माननीय पंचायत मंत्री से, मुख्यमंत्री से जो लड़ाई है हमारी, ये लड़ाई है कि हमारे जो पुराने मेट है वो जो के तो रहने चाहिए, उन मेटों को पक्का किया जाए और जब तक पक्का ना किया जाए उनको न्यूनतम वेतन दिया जाए, कौशल रोजगार निगम के तहत हमें जोड़ा जाए, हमारी जो लेबर है उनको पूरा साल काम दिया जाए। यदि उनको पूरा साल काम नहीं देते तो जो सरकार की योजना है एक परिवार एक जॉब कार्ड, हम चाहते हैं कि इसको एक प्रति व्यक्ति एक जॉब कार्ड बनाया जाए, ताकि एक आदमी को यदि 100 दिन का काम मिलेगा तो वो काफ़ी काम हो जाएगा। और जो हमारी मनरेगा मजदूर की दिहाड़ी है वो बहुत कम है साथियों, वो 331 रुपये है, जो जबकि केरला के अंदर लगभग इससे डबल दिहाड़ी है, 600 रुपये दिहाड़ी है। हम चाहते हैं कि केरला की तर्ज पर हरियाणा के अंदर भी 600 रुपये दिहाड़ी है। और यदि हमारा कोई मजदूर भट्ठे पर मरता है या कोई खेत में किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है तो उसकी राशि 5 लाख रुपये है, लेकिन सरकार हमारे जो मजदूर है उसको मजदूर ही नहीं मानती, हमारी जो राशि है वो सिर्फ 25,000 रुपये है। तो हमारी सरकार से ये भी लड़ाई है कि जो मजदूर के साथ कोई हादसा हो जाता है तो उसकी जो है वो राशि बढ़ाकर 25 लाख रुपये की जाए और उसके आसारित को एक नौकरी दी जाए। यदि किसी साथी के काम के दौरान कोई अंग भंग होने की स्थिति में उसको 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। हमारे जो गरीब परिवार से उठे हुए हैं, जैसे 1,80,000 रुपये का एक सरकार ने एक टारगेट बना दिया, और कुछ लोगों को जैसे गांव में काफ़ी लोगों के पास 200 वर्ग गज जगह है तो उनके बीपीएल कार्ड कट के, ये भी बड़ा चिंता का विषय है। हम सरकार से चाहते हैं जो भी मनरेगा के अंदर कार्यरत मजदूर हैं उन सभी के बीपीएल कार्ड होने चाहिए, जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है उनको 100-100 वर्ग गज के प्लाट दिए जाए। और जो भी हमारी, देखो हमारा मिशन एक है, हमारी यूनियनें चाहे कितनी भी हो हमारा ट्रैक एक है, जैसे गुरबाज भाई ने बताया कि हम एक मंच पर एक साथ लड़ रहे हैं और हमारा टारगेट यही है कि हम जब तक लड़ते रहेंगे, जब तक हरियाणा सरकार हमारी ये बात नहीं मानेगी कि मेटों को पक्का करेंगे, 600 रुपये दिहाड़ी देंगे, और जो ये मजदूर की न्यूनतम मजदूरी है उस पर भी डाका डालने के, जो हमारे AVPO है ये पता नहीं सरपंचों को कौन सी गलत भाषा पढ़ाते हैं, यही लोग गलत मार्गदर्शन सरपंच को करते हैं कि आप मेट को हटा सकते हो। ये जो ग्राम सचिव है, कुछ लोग अच्छे भी लोग हैं कुछ बुरे भी लोग हैं, जो इनको ये कहना चाहिए, क्योंकि हमारे जो मजदूर भाई है जो मेट है उन्होंने कोरोना महामारी जैसी में 2 साल तक काम किया, उन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की उस दौरान काम किया, हमारे मेटों की 2 साल तक कोई पेमेंट नहीं आई, उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि हमारी पेमेंट आएगी या नहीं आएगी, फिर भी उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी और काम चलाते रहे। तो साथियों मुद्दे तो काफ़ी है, लेकिन आज इतना टाइम नहीं है कि ये सारी बात हम कोई एक जिले स्तर पर एक रैली करेंगे सभी के विचार विमर्श से और ये बात उसमें हम रखेंगे। और किसानों ने अपनी लड़ाई जीत ली साथियों, किसानों ने एकजुटता का परिचय दिया, हमें किसानों से सबक लेना चाहिए और इस लड़ाई को हम तभी जीत पाएंगे जब उंगली पवन की कटे और दर्द आपको हो। संगठन में 1 और 1 11 की ताकत होनी चाहिए, यदि हम 1 और 1 को 2 गिनेंगे तो साथियों हम ये लड़ाई नहीं जीत सकते। हमारा मिशन एक है, मनरेगा मेट को जिताना है, मनरेगा मजदूर को जिताना है, और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हरियाणा सरकार, माननीय प्रधानमंत्री हमारी मांगों पर संज्ञान नहीं लेता। साथियों सरकार की सोच हमारे प्रति बिल्कुल ही गंभीर नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री साहब ने ये 2-3 बार कहा कि मनरेगा के भी संगठन हो गए क्या, तो ये बड़ा चिंता का विषय है। उनको ये भी नहीं है कि मनरेगा क्या संगठन नहीं बना सकता, मनरेगा के, मनरेगा की जो पॉपुलेशन है वो 22